हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि स्क्वॉश गैम्बिट के बारे में, हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्क्वॉश गैम्बिट, मेरा एक लगातार लास्ट 3 वीडियो आपको बना के दे दिए हैं, उसके ऊपर प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। आज हम देखेंगे वर्ल्ड की जो फेमस लाइन है कैरोकान डिफेंस, उसके सामने कैसे खेला जाए। नॉर्मली कैरोकान डिफेंस e4 c6, दोस्तों कई लोगों को कैरोकान के मेन लाइन में प्रॉब्लम होते हैं मेन लाइन खेलने में। मैं आपको यूनिक मूव्स ही बताऊंगा, 2 नाइट डिफेंस अगेंस्ट कैरोकान, ये बहुत ही ब्रिलियंट और सक्सेसफुल ओपनिंग है। आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही मजा आएगा खेलने में। यहाँ पे c6 के बाद मोस्टली व्हाइट खेलता है d4, लेकिन मैं यहाँ पे d4 खेलने की सलाह नहीं दूंगा आपको, एक नया ही मूव जो ब्लैक को सरप्राइज करेगा कि अब क्या खेलें। मतलब आपके मुंह के रिप्लाई में ब्लैक को क्या रिप्लाई देना है उसे पता ही नहीं चलेगा। नॉर्मली knight c3, ये मेरी सरप्राइज मूव। knight c3 के बाद कैरोकान प्लेयर को बुक ओपनिंग खेलनी है तो d5 कंपलसरी मूव है। d5 के बाद दूसरा सरप्राइज मूव है knight f3, 2 knights अटैक अगेंस्ट कैरोकान डिफेंस। बहुत ही मजा आएगा इसमें, सभी वेरिएशन में बताऊंगा, जैसे कि पॉन टेक्स पॉन d4 और यहाँ पे बिशप g4, ये 3 मेन मूव्स है। तो सबसे पहले देखते हैं अटैकिंग दिखने वाली मूव, जो ब्लैक को लगता है नेचुरल मूव अभी d4 ही खेलना चाहिए, वो आपकी गेम को पूरा क्या पैसिव करना चाहते हैं। d4 के रिप्लाई में यहाँ पे एक जबरदस्त मूव है, सिंपल knight e। अब आप देख सकते हो कि ये नाइट और ये वाला दो दो नाइट पॉन पे अटैक करता है। इस पॉन को प्रोटेक्शन करने के लिए क्वीन अकेली काफी नहीं है, e5 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि e5 में सिंपल नाइट टेक्स e5 होता है। तो यहाँ पे एक ही रिप्लाई होगा मेरे हिसाब से, ओनली वन रिप्लाई, c5। अब आपको करना है c3। दोस्तों c3 में d into c3 अगर होता है तो सिंपल नाइट टेक्स c3 और व्हाइट कंप्लीटली बैलेंस करके गेम खेलेगा। ललचाने वाली मूव क्या है ब्लैक को, d3। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। अब आपको खेलना है knight to f4, नाइट और बिशप, दो दो अटैक के सामने इसे सपोर्ट करने का एक ही मूव है, वो है c4। बट आफ्टर क्वीन ए फोर चेक के बाद knight c6 और बिशप d7, कुछ भी मूव के बाद qxc4, और एक पोन आपने ले भी लिया है और दूसरा d3 भी हैंगिंग है, वो तुरंत मिलने वाला है, उसे भी कोई सपोर्ट आने वाला नहीं है। तो ओपनिंग में ही आपको दो पोन मिल जाते हैं, इससे बड़ा कंपेंसेशन दोस्तों क्या होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, ये ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये ट्राई करने को कहता हूं। यहां से अगर ब्लैक समझो कि कैप्चर कर लेता है d takes e4, अब आता है knight takes e4, यहां से शुरू होती है हमारी व्हाइट से दूसरी ट्रैप। नेचुरल मूव यहां पे ब्लैक के लिए, कैरोकान प्लेयर है तो बिशप f5 उसके लिए ब्रिलियंट मूव होता है, बुक मूव है। बिशप f5 में knight to g3 और बिशप h6। बिशप g6 के बाद यहाँ पे आपको खेलना है h4। अब आप देख सकते हो कि h5 की थ्रेट है, सिंपल ब्लैक को h6 या h5 करना पड़ेगा। क्या होता है अगर h6 करता है तो गेम में, और क्या होता है अगर इस लाइन में h4, दोनों वेरिएशन देख लेते हैं वन बाय वन। चलिए पहले देखते हैं h6। h6 में आपको खेलना है knight e5, h5 नहीं खेलना है दोस्तों, knight e5 ध्यान रखिए। बिशप h7 ओनली ऑप्शन है, उसके बाद सबसे ब्रिलियंट मूव queen to h5। यहां पे आप चेकमेट की थ्रेट दे रहे हो, अब एक ही बेस्ट ऑप्शन होता है g6। फिर से आपको सरप्राइज करूंगा, आप सोचोगे कि queen f3, नहीं, यहां मेरा ब्रिलियंट मूव होगा bishop to c4। चेकमेट की थ्रेट है, अगर पॉन टेक्स क्वीन मार लिया तो बिशप f7 मेट। अब मेट तो सबको दिखने वाली है, फोर्स मूव क्या है e6, आपका मेट का रास्ता बंद करने के लिए। वन मोर अटैकिंग मूव, क्वीन e7, नॉट क्वीन
F3 क्वीन E2। अब देखो यहाँ पे ब्लैक के पास कौन से रिप्लाई है ये पोजीशन में, जैसे कि नाइट F6 कर दिया, तो नाइट सेक्रीफाइस आफ्टर किंग टेक्स F7, क्वीन चेक देन किंग G7 एंड क्वीन चेक। तो नाइट F6 पॉसिबल नहीं है, मान लो कि किसी ने बिशप E7 कर दिया, जगह कर दी किंग के लिए, तब भी नाइट F7, किंग F7, क्वीन चेक, किंग E8। अब यहां एक और सरप्राइज मूव है दोस्तों, क्या सरप्राइज है, क्वीन F7 ये गलत मूव होगी और ब्रिलियंट मूव होगी नाइट टू E5। अब ब्लैक खेलेगा क्वीन D7 मोस्टली, क्योंकि क्वीन और नाइट और बिशप सभी किंग के ऊपर अटैक है, तो कोई भी एक्सचेंज करना चाहेगा, बट आफ्टर क्वीन E5 अब ब्लैक को रियलाइज होगा कि ये रुक ट्रैप हो गया है, तो उसको बचाने का एक ही मूव है नाइट F6 देन सिंपली यू विन अ क्वीन, क्योंकि बिशप तो ऑलरेडी पिन हो चुका है। तो ये बिशप E7 के बाद ऐसा होता है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है अगर H5 खेलता है ब्लैक, जो आपकी थ्रेट है H6 के बदले H5, जो क्वीन से मेट की थ्रेट आती है वो नहीं आने वाली। H5 में भी आपको रिप्लाई देना है नाइट E5, बिशप अगर H7 जाता है तो सिंपल नाइट टेक्स H5, ये पॉन मर रहा है, तो यहां ब्लैक क्या खेलेगा, बिशप तो खेलेगा नहीं, क्वीन D6 मानो के सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, क्वीन D6 में सिंपल नाइट G6 आफ्टर क्वीन टेक्स G6 बिशप E2। अब आप इस पॉन को प्रेशर दोगे, 1 2 3 अटैकर्स ओनली टू सपोर्ट। तो यहां पे वाइट रिप्लाई देगा नाइट F6, नेचुरल मूव है सपोर्ट बढ़ाना, उसके बाद आपको खेलना है D4 NBD7। ब्लैक ट्राई करेगा नाइट को सपोर्ट और लॉन्ग कैसल का आइडिया भी है। यहाँ पे बिशप G5 E6 अगर कर दिया तो सिंपल बिशप D3 और यहाँ पे आपको कंपलसरी पीस मिल रहा है। आई थिंक क्वीन ट्रैप भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे बिशप टू E4 देन E5 और यहाँ पे आप पीस प्लस हो जाते हो। तो ये थी हमारी दूसरी लाइन, चलिए और भी देखते हैं। बिशप G6, जैसे कि अगर व्हाइट को पता चलता है कि बिशप G6 के बाद व्हाइट ने ब्लैक ने प्रिपेयर किया है कि ऐसे ऐसे अटैक्स आने वाले हैं, तो क्यों ना बिशप G4 खेल दे। तो बिशप G4 ये लाइन में आप क्या करोगे दोस्तों, बिशप G6 में तो आपको सबको पता चल गया कि कैसे अटैक करना है, लेकिन बिशप G4 में क्या करना है, बिशप G4 में आपको खेलना है बिशप C4। अब ज्यादातर लोग जहाँ पे नाइट F6 करते ही है ज्यादातर, और नहीं करते तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। नाइट F6 ये एक ब्लंडर मूव है, सिंपल यहाँ पे बिशप टू F7 चेक आफ्टर किंग टेक्स F7, नाइट E5 चेक एंड नाइट टेक्स जी, आप पीस भी प्लस हो जाते हो, पॉन भी प्लस हो जाते हो और सामने वाले का कैसल भी ब्रेक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ ये भी कैरोकान अगेंस्ट ही है, उसके और भी वेरिएशन है मेरे पास, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए यहाँ पे हम एक गेम भी खेलते हैं, लाइव गेम। आप सोचोगे कि सर कि गेम कैसी होती है, अब हम लाइव गेम खेल के देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, हम लोग यहाँ पे प्लीज 5+5 रेटेड खेलते हैं, 5+5। ओके, यहाँ पे व्हाइट ने खेला D4, D5, C4 अगेंस्ट मुझे पता है सिगोरिन डिफेंस, आप सभी लोग जानते हो मेरी फेवरेट लाइन है सिगोरिन, एन सी सिक्स
ई थ्री के सामने सिगोरिन में क्या खेला जाता है आप सबको पता ही है, और नहीं पता है तो आप देख लो। e5 दो दो सेंटर ब्रेक, पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन, नाइट c3 आएगा तो बिशप b4, सारे पीसेस अटैक के साथ डेवलप हो रहे। हम अपनी क्वीन को जरा भी हटाते नहीं यहाँ से, ध्यान रख। बिशप टेक्स और यहाँ पे हमें कंपेंसेशन मिल गया आइसोलेटेड पॉन का, ये पॉन आइसोलेटेड हो गया है। और यहाँ सिंपल नाइट f6, ब्रिलियंट, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे हम सिंपल कैसल कर लेंगे, बिशप g5, यहाँ पे r8, आप पोजीशन देख सकते हो कितनी बढ़िया पोजीशन है ब्लैक की। रुक d8, दोनों रुक अटैक में, सेंटर में आइसोलेटेड पॉन, इससे ज्यादा क्या चाहिए गेम जीतने के लिए। अब यहां हम क्या करेंगे, नाइट टेक्स d4, आई थिंक नाइट टेक्स d4 इज ब्लंडर, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स f3, ये भी हमारे लिए गलत होगा। रूक टेक्स e2 क्या रहेगा, रूक टेक्स e2, देन क्वीन टेक्स, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक वेटिंग नहीं करते, क्या चाहता है वाइट, ये पॉन पे प्रेशर है, हमें उसे फ्री नहीं होने देना है। नाइट e4 खेल सकते हैं, लेकिन उससे सेंटर उसका कनेक्टेड हो जाता है, और भी हम वेटिंग कर सकते हैं लाइक h6। कभी कभी दोस्तों आपको वेट बहुत करना पड़ता है सामने वाला कि मिस्टेक की राह देखनी है। बैटरी बनाएंगे, क्वीन रुक e7, ओके, यहाँ पे मेरे हिसाब से बैटरी इज गुड। अब देखो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है बिशप, क्योंकि नाइट बैठा है, आराम से हम उसे मार देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रुक पे अटैक आता है तो। देखते हैं अब वाइट थिंकिंग दोस्तों, यहाँ पे बिशप f5 हमें मारना नहीं है सामने वाले को, क्यों हम डेवलप करके दें। एंड नाउ बैटरी सक्सेसफुल, ओके। यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव मेरे पास आया है, शायद आपने भी देख लिया होगा, बिशप टेक्स h3, यस बिशप टेक्स h3 आफ्टर जी टेक्स देन क्वीन टेक्स, ओ दोस्तों एक पॉन हमें मिल गया है, बहुत इजीली कंपेंसेशन है गेम में। सेंटर में आपने देखा जब से मैंने गेम खेली यहां पे क्वीन को हटाया नहीं है, और अभी भी मेरे पास बिशप से नाइट पे अटैक, अगर वो लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल बिशप g4 करते हैं। अब हमें ओपन फाइल की जरूरत नहीं है, नाइट मैनोरिंग करेगा, नाइट डांसिंग नाइट हो जाएगा, थ्रेट हमारी क्या है, बिशप टेक्स f3 की थ्रेट है। दैट्स द बेस्ट मूव, एक और पॉन ले लेते दोस्तों, रुक टेक्स क्वीन टेक्स देन नाइट d4, सिंपल हमें पॉन मिल रहा है और चेक में कुछ होने वाला नहीं है, तो चल एक और पॉन ले लेते हैं, जब सामने वाला देना ही चाहता है। नाइट टेक्स d4, नाइट जी फोर देन क्वीन चेक, किंग इधर और
इससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दो नाइट बहुत ही डेंजर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे नाइट के पर डबल अटैक है। व्हाट अबाउट दोस्तों, यहाँ पे हम नाइट e6 कर सकते हैं या फिर c5 करके सिंपल पॉन को सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए सपोर्ट विल बी बेटर, इससे क्या होता है पॉन हमारा थोड़ा आगे भी बढ़ेगा। और नाइट टेक्स चेक, ओके यहाँ पे दूसरा चेक, और चेक में नाइट इंटरपोज होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर g6 किया तो चेकमेट है। f5 कर दिया तो क्या होगा, नहीं चेकमेट नहीं है सॉरी, g6 f5 f5 थोड़ा ठीक नहीं है, बिशप टेक्स नाइट होता है इधर, g6 कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ही डिफेंस सोच के खेलना पड़ता है दोस्तों, और आई होप सबको मजा आ रहा होगा इस गेम में, क्योंकि सिक्योर एंड डिफेंस में हमने दो दो पॉन ले लिए हैं। और आप लोग भी ये लाइन खेलोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट हेड दोस्तों सोच के रखिए, क्या हम खेल सकते बेस्ट, और आपका और मेरा मूव्स कॉमन होता है। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज में ये पॉन मर रहा है। नाइट चेक देन क्वीन d6, d6 में पॉन मार के चेक आ रहा है। ओके, एक तो सिंपल नाइट e2 चेक, देन किंग अगर इधर गया और लास्ट में गया तो नाइट f7 चेक, कंटिन्यूस चेक आ रहे हैं, और इधर गया तो नाइट चेक, नहीं ये भी गलत है। अब सिंप्लीफाई के अलावा और कोई बेस्ट मूव नहीं है यहाँ पे, और सिंप्लीफाई में हमारा ये पॉन लॉस हो रहा है, और टाइम प्रेशर भी है, तो थोड़ा सोचने दो दोस्तों। नाइट e2 किंग f1, किंग h1 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक दे के नाइट e2 देन नाइट चेक, नाइट e2 आफ्टर दैट चेक, और क्वीन e6 एक पॉन वापस दे देते हैं सिंपल, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा सेफ लग रहा है। 92 में हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गिनने के लिए क्लासिकल होना चाहिए दोस्तों, क्लासिकल टाइम नहीं है हमारे, वरना यहाँ पे हम नाइट e2 सोच सकते थे, नाइट e2 देन किंग f1, किंग h1 में तो नाइट f2 और आपको पीस मिल रहा है, लेकिन 92 में यहाँ पे हम पॉन से लेंगे या नाइट से लेंगे। मेरे हिसाब से पॉन टेक्स इज गुड, और नाइट से भी ले सकते हैं, नाइट बहुत ही अच्छी जगह पे है, पॉन टेक्स ही मार, ये पॉन तो जाने वाला है। ओके, और यहाँ पे इक्वलाइज हो रहा है थोड़ा सा, अब इसे कैसे बचाया जाए। चलो यहाँ पे पॉन को ब्लैक ने, व्हाइट ने काफी कमबैक तो किया है दोस्तों, नाउ किंग अर्ली अटैक, किंग को जल्दी से लाना पड़ेगा।
चेक नाइट टेक बिशप ओके डांसिंग नाइट, वैसे भी नाइट की इधर जरूरत जल्दी है। एक सेकंड, यहाँ हम चेक देखे नाइट इंटू बिशप देन नाइट इधर और या सिंपल नाइट इधर लाते हैं। अब किंग को नजदीक लाने का प्लान, कट ऑफ किया है लेकिन सब कॉन्टेक्स्ट चलो बैलेंस कर दिया दोस्तों, कंपेंसेशन भी मिल गया हमें। प्रॉब्लम डार्क स्क्वायर में बन रहा है, क्यों हम परेशान हो रहे हैं? चलो अब इससे क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ जाना है। फॉर्क है ये, पॉन तो मर रहा है। ओके पहले इसे हम से अटैक करेंगे, वो दोनों को बचा लेगा, फिर से फॉर्क देते। सपोर्ट मिल गया, नाइट बहुत ही जबरदस्त काम में आते हैं दोस्तों सिक्योर इन डिफेंस में। स्टिल हम एक पॉन प्लस है और नाइट पे अटैक किया है, नाइट को यहाँ से अटैक करेंगे तो बिशप जाएगा नीचे, यहाँ से अटैक करेंगे तो बिशप सपोर्ट नहीं कर सकता। ओके दिस इज गुड, देखा नाइट के मूव्स बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। नाइट टेक्स पॉन, बिशप e2 देन पॉन पुश,
व्हाट अबाउट बिशप ई टू दोस्तों, पॉन को सिंपल, बिशप कैन नॉट टेक योर नाइट, रेटिंग देख लेते हैं सामने वाले का 2040 है और हमारा 2120 है, तो इतना डिफरेंस तो गेम में होगा ही दोस्तों रेटिंग के हिसाब से, इतना तो हम अच्छा सोच ही लेते हैं उसके रेटिंग के बराबर। पॉन पुश में किंग इधर आ जाएगा, तो वेटिंग मूव में हम क्या कर सकते हैं, पॉन पुश इधर, देन अगेन पॉन पुश, फोन चलाते वैसे भी टाइम प्रेशर है हमारे पास, नाइट से सपोर्ट देंगे तो फोन मार देगा, फोन पुश करेंगे तो किंग और ऊपर जाएगा। ओके, फोन के बदले फोन, ये थियरी यूज करनी पड़ेगी। नाइट इधर, किंग टेक्स पॉन, देन किंग टेक्स नाइट टेक्स पॉन, ओके, काफी अच्छा मूव है। नाइट टेक्स पॉन नहीं कर सकते हम, वेटिंग करना पड़ेगा। आप अच्छा हो गया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे नाइट, गेम काफी लंबी चल रही है, वेटिंग मोड में बिशप ही खेलना चाहिए और बिशप इसी लाइन में रहेगा। ओके, इसको हम ग्रैब करते हैं इस पॉन को, किंग किंग डन किंग हियर नाइट टेक्स। ओके, इसको एंट्री देते हैं, अभी टाइम प्रेशर में क्या होता है देखते हैं। इस लाइन में हमें किंग लाना है, नाइट चेक, वाह, सिंपल विनिंग गेम हो गई जो, सिंपल विनिंग। यहां से दोस्तों सिंपल विनिंग है, नाइट टेक्स देन पॉन टेक्स, और ये क्वीन वर्सेस नाइट पॉन है, सिंपल विनिंग गेम है, और ये डिजाइन वाइज। तो कैसी लगी ये गेम सिक्योर इन डिफेंस की, फिर से देख लेते दोस्तों, और आपको जो मैंने जो भी लाइन सिखाई है परफेक्टली वर्क कर रही है। अब देखो मैंने लाइव आपके सामने रेटेड गेम खेली है, नॉट ऑर्डिनरी, सिक्योर इन डिफेंस। ये भी आप मेरे पुराने वीडियो सिक्योर इन के देख सकते हो, सारे वेरिएशन उसके अंदर है। यहाँ पे देखो कम्प्लीटली हमें जो पहले से पॉन मिला है उसका एडवांटेज हम ज़्यादा नहीं ले सके, लेकिन एंड गेम में दो नाइट का एडवांटेज तो हम जरूर लिए। यहाँ पे कुछ हमें दिक्कत आई, कुछ मूव यहाँ पे हम सोचना चाहते थे, एनालिसिस में देख लेते कि हमें इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि स्टॉकपिस को हम बताएंगे, तो यहाँ पे नाइट चेक ही बता रहे हैं,
आफ्टर किंग f1 देन क्वीन चेक देन बिशप फोर्स अंडर, और यहाँ पे मेट आ रही है दोस्तों। वाह, मेट इन फोर हम नहीं गिन सके 22 सेकंड में, लेकिन जब टाइम प्रेशर होता है तो गेम को सिंप्लीफाई करना चाहिए। बहुत टाइम पहले हम ये गेम जीत रहे थे दोस्तों, तो आपको पता चला कि कोई भी गेम आपको खेलना है तो इतने अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में सामने वाले की मेट या प्लस होने के मूव्स आप ढूंढ सकते हो। और बहुत सारे जो ओपनिंग्स मैंने बनाई है, सभी ओपनिंग्स बहुत ही इफेक्टिव है, कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। सभी ओपनिंग्स आप तैयार कर सकते हो जो आपको मन में पसंद आए। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे ज़बरदस्त ओपनिंग वाले वीडियो लेके मैं आऊँगा आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय गुजरात।